के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वेल, सिक्स कॉरिडोर्स आर बीइंग बिल्ट इन प्रयागराज, आउट ऑफ विच वन कॉरिडोर इज बीइंग बिल्ट फॉर हरमान जी। माय कलीग हैज फाइल्ड अ रिपोर्ट ओवर दिस डेवलपमेंट, लिसन इट। प्रयागराज महाकुंभ में 6 कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें पहला कॉरिडोर बनकर अब तैयार हो चुका है। ये पहला कॉरिडोर हनुमान मंदिर का है। आप देखिए कितना भव्य स्वरूप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है और इसके पूरे चारों तरफ इर्द गिर्द कॉरिडोर बनाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हनुमान जी के जीवन को प्रदर्शित करना था वो इस कॉरिडोर में आपको दिखाई देगा, क्योंकि हनुमान जी के जीवन के एक एक चित्र रेखा बनाई गई है। कैसे हनुमान जी राम जी से मिले, कैसे हनुमान जी का जीवन रहा, किस तरीके से हनुमान जी सीता जी से मिलाप हुआ उनका, कैसे उन्होंने लंका दहन किया, किस तरीके से हनुमान जी ने सीता जी से जो मिलाप हुआ, एक एक जीवन की हर वो रेखा जो हनुमान जी के जीवन में रही है, वो सारी चीज़ें आपको इस कॉरिडोर में चित्र रेखा के रूप में प्रदर्शित हुए नज़र आएगी। इस कॉरिडोर के चारों तरफ मूर्तियां बनाई गई हैं जो कॉरिडोर में बीच बीच में लगाई गई हैं, और वो भी हनुमान जी के जीवन को प्रदर्शित करती हैं और हमें ज्ञान देती है कि हनुमान जी का जीवन कितना सरल और कितना अच्छा था। ये पूरे लेटे हुए हनुमान जी का कॉरिडोर है, ये पहला कॉरिडोर है जिसको बनाकर तैयार कर लिया गया है। महाकुंभ का भव्य समागम होने वाला है, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। ये पहले कॉरिडोर को आप देखिए कि किस तरीके से खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित हो रहा है। इसकी तैयारियां भव्य तरीके से की गई हैं। इस कॉरिडोर में जिस तरीके से आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा कि हनुमान जी का जीवन कितना सरल और सहज था, वो पूरी चीज़ें रेखा के रूप में बनाई जा रही हैं। और देखिए, क्योंकि हनुमान जी का भव्य स्वरूप यहाँ पर है, लेटे हुए हनुमान जी हैं यहाँ पर, जो प्रतिदिन सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। और इस भव्य कॉरिडोर में जब लोग आएंगे, लोगों का समागम लगेगा, तो उनको पता भी चलेगा कि किस तरीके से हनुमान जी के जीवन की सरलता रही। देश विदेश से लोग आएंगे और देश विदेश से इस महाकुंभ में समागम देखेंगे कि किस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में जो 6 कॉरिडोर बनाए गए हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं। पहला कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया और इसकी रूपरेखा देखिए कितनी खूबसूरत हो गई है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ प्रयागराज। Well, a pandal has also been prepared at Sangam Ghat for the Prime Minister's public meeting, where there will be seating arrangements for about 20,000 people, while 2 lakh people are expected to reach the public meeting. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अक्षयवट हनुमान मंदिर के साथ साथ संगम घाट पर स्थित इस पंडाल में आएंगे और यहाँ पर वो जनसभा करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी प्रयागराज वासियों को। और अगर इस पंडाल की बात करें तो देखिए आप कितना भव्य स्वरूप बनाया गया है इस पंडाल का। ये संगम घाट पर पंडाल स्थित है, लगभग 20,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, और एक आंकड़ा जो बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 2 लाख लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। आप देखिए अलग अलग सेक्टर डिवाइड किए गए हैं, किस तरीके से वीवीआईपी के लिए अलग सेक्टर डिवाइड किया गया है, वीआईपी के लिए अलग सेक्टर डिवाइड किया गया, ऐसे 40 सेक्टर डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है और आगमन पे हर कोई पहुंचना चाहेगा और हर कोई उनको देखना चाहेगा, उसके लिए ये सेक्टर डिवाइड किया गया। एक भव्य पंडाल देखिए, ये पंडाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये गंगा तट पर स्थित है, और गंगा तट पर ये पंडाल बना हुआ है। पंडाल का भव्य स्वरूप है और जिस तरीके से इस पंडाल को बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर, ये पंडाल भव्य तरीके से और सजकर तैयार हो जाएगा। अभी तैयारियां आपको दिखाई दे रही होगी, ये तैयारियां हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, और ये जो स्टेज आपको दिखाई दे रहा है, इस स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि प्रयागराज का दौरा है। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा भी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, की किस तरीके से कितने काम हो चुके हैं, किस तरीके से विश्व पटल पर इस बार जो कुंभ है उसको रखा जाएगा, देश विदेश से आने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से इस बार प्रयागराज महाकुंभ को देख सकते हैं,
क्या क्या नई तैयारियां यहाँ पर हो रही है, डिजिटल कुंभ की किस तरीके से व्यवस्था हो रही है, प्रयागराज में नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इस जगह पर जनसभाएं करेंगे, जनसभा करने के साथ साथ लोगों से मुलाकात भी करेंगे, अखाड़ी परिसर के लोगों से भी मुलाकात करेंगे, और इस पंडाल में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा का भाषण भी सुनने को मिलेगा और परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनॉग्रेट प्रोजेक्ट वर्थ